ऐसा है जिसमें हम बहनों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनको किसी के ऊपर डिपेंड ना करना, खुद वो अपने स्वयं के पाँव पे खड़े हो और उनको अच्छा रोजगार मिले, अच्छा काम करने का अवसर मिले। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल हर चुनाव के लिए बनाने के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। उसको उसके लिए जो अलग अलग सुझाव पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की कमेटी ने दिए हैं, उसके ऊपर गंभीरता से विचार करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दी है कि तीसरे टर्म में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सेमीकंडक्टर और चिप्स हो, रेलवे के इक्विपमेंट हो, एविएशन हवाई जहाज बनाने के विषय और रिपेयर एंड ओवरऑल MRO फैसिलिटीज हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या टेक्सटाइल, अरे लैब ग्रोन डायमंड्स में भी हम भारत को एक विश्व में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखते हैं। हमारे भारत से निर्यात बढ़े और साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी भारत में निर्माण हो, इसके लिए विशेष भारत काम करेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी हो या इनोवेशन और रिसर्च को बल देने की बात हो, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हो या देश में कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन की सुविधाओं को भारत मंडपम और यशोभूमि के तर्ज पर देश भर में बनाया जाए, खेल कूद के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देश में बड़े पैमाने पर बढ़े और साथ ही साथ 2036 में हम ओलंपिक खेल के लिए अपने भारत का पेट आगे करें। मैं समझता हूँ स्टार्टअप्स के माध्यम से जो हम आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम बने हैं, हमारे युवा युवती उद्योजक एंटरप्रेन्योर्स बने, नए आइडियाज, नई सोच, नए विचार, नई टेक्नोलॉजी के साथ वो अपने देश का नाम विश्व में रोशन कर। अलग अलग योजनाओं में एक विशेष स्लम्स के ऊपर कैसे स्लम्स को डेवलप किया जाए और स्लम के रीडेवलपमेंट इन सीटू रीडेवलपमेंट, जहाँ स्लम है वहीं पर स्लम को रीडेवलप करने के लिए नई नीतियाँ बनाकर कहाँ कैसे स्लम लैंड के ऊपर अच्छे पक्के घर हमारे बस्तियों में झोपड़पट्टी इलाकों में बन सके, उसके लिए देशव्यापी कार्यक्रम किया जाए। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग स्कीम्स के साथ साथ कुछ विशेष चीज़ें जो देश के लिए बहुत अहम है उस पर भी सरकार कड़े कदम उठाएगी। एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत और एक नशे से मुक्त भारत, ड्रग फ्री इंडिया, ये हमारा संकल्प रहेगा। कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त किया जाए और साथ ही साथ नए इंडस्ट्रियल सिटीज और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को बल दे, उसमें भी भारत तेज गति से काम करे। अंत में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि चाहे वो शहरों का नवीकरण हो, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शहरों में पानी की समस्या से निजात दिलाने की बात हो, या देश को विदेश के ऊपर तेल के लिए निर्भर ना रहना पड़े, एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात हो भारत में, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग अलग विषयों को देश के समक्ष रखा है। और मेरा मानना है कि जिस उत्साह के साथ, जिस पॉजिटिविटी के साथ पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी और भाजपा के संकल्प पत्र को स्वीकार किया है, स्वागत किया है, आगे आने वाले दिनों में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार,
फिर एक बार मोदी सरकार देश में स्थापित होने जा रही है भारी बहुमत से, 400 पार सीट लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को देश आशीर्वाद दे, ऐसा सभी से आशीर्वाद मांगते हुए सभी का समर्थन, सभी का हमें इस चुनाव में मौका मिले इसके लिए अनुरोध करते हुए, आग्रह करते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि हम सब आज इस पत्रकार में आए। सर, उनका संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने टीका की है, विपक्ष तो विरोध करेगा ही, बड़ा हताश है विपक्ष। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, देश कैसे आगे बढ़ेगा। विपक्ष देश को तोड़ने में लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़कर, देश की एकता और एकजुटता को और मजबूत करकर देश के निर्माण के काम में, मुझे लगता है विपक्ष की बातों में कोई आधार नहीं है। और 2014 और 19 के जो जो अपने संकल्प दिए थे उस पर हम खड़े हो, मैंने फिर सुन कांग्रेस ने कहा है कि हम तो बड़ी कमजोर स्थिति की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसको पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा। कांग्रेस सीमित कर रहे अपने आप को एक छोटे से लक्ष्य, मोदी जी देश को एक विजन दे रहे और देश में हर एक व्यक्ति को मौके और अवसर मिले उसकी बात कर रहे, और ढेर सारी कल्पना लेकर, योजना लेकर और विशेष कार्यक्रम लेके हम देश के समक्ष जा रहे हैं। रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई कम करने का वादा किया था, और अवश्य कम नहीं हुआ है। पिछले 40 साल में बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगार महंगाई के ऊपर बात नहीं करते, ऐसा कोई रिपोर्ट मेरे संज्ञान में नहीं है। आज आप देखिए तो हर महीने 12 लाख लोग ESI के रजिस्ट्रेशन या PF के रजिस्ट्रेशन में बढ़ रहे हैं। देश में अलग अलग तरीकों से रोजगार हो, स्वयं रोजगार हो, उद्योजक हो, कारोबार करना हो, अलग अलग तरीके से लोग की आमदनी बढ़ रही है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, इसीलिए तो देश आज तेज गति से विकास भी कर रहा है और विश्व आज भारत में आके निवेश भी करना चाहते हैं, भारत में आके काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ महंगाई की दर पिछले 10 वर्ष में औसतम आजादी के बाद सबसे कम महंगाई की दर पिछले 10 वर्ष में रही है, और आंकड़े अपने आप बताते हैं ये बात, और जो हमने कहा था उस पे हम खड़े उतरे, ये मैं दावे के साथ कह सकता। मोदी जी ने 4-5 दिन पहले एक भाषण में 2-3 बार बोला कि 10 साल में जो हमने काम किया वो एक सैंपल था, पिक्चर का ट्रेलर था, फिल्म पूरी बाकी है। ये मैनिफेस्टो में देख के ऐसी क्या चीज है कि जो बड़ी पिक्चर है या उसमें छुपाया है, आप थोड़ा? बहुत सारी चीजें हैं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को और पंख देने की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़े बदलाव और बड़ा विस्तार, टूरिज्म में जिस प्रकार से बड़े रूप में भारत उभर के आएगा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनाने की बात की, जिस प्रकार से डिग्निटी ऑफ लाइफ हमारे देशवासियों की और अच्छी हो, 10 वर्षों में तो कई काम किए लेकिन उसको और विस्तार कैसे किया जाए और बड़े रूप में विस्तार कैसे किया, उसकी कई सारी बातें मैंने अभी अभी आपको डिटेल में भी बताया। आखिर इतने वर्षों में किसी ने कभी सोचा नहीं था कि महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है, गाँव में गरीबों को कितनी दिक्कत होती है, किसानों को कितनी दिक्कत होती है। 65 साल सरकारें आई और गई, कभी किसी के ध्यान में नहीं आया कि शौचालय कितना जरूरी है, हमारी माता बहनों को सर्विकल कैंसर से कितनी तकलीफ होती है जो शौचालय नहीं होने के कारण या सैनिटरी पैड्स नहीं उपलब्ध होने के कारण। आज शौचालय भी है, 1 रुपए में सैनिटरी पैड भी है। अभी अभी मोदी जी ने बताया था कि अब अगले टर्म में हम सर्विकल कैंसर कैसे
मुक्ति दिलाए हमारी माता बहनों को और उस और उसका प्रभाव कैसे बड़े रूप में कम कर सकते हैं, ऐसे नई नई चीज़ें किस प्रकार से हम नेचुरल फार्मिंग को बड़े रूप में बढ़ाकर भारत के किसानों के उत्पाद को अच्छा दाम विश्व में और भारत में मिले, किस प्रकार से हम स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ऐसा करें कि लगभग सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाए, 3 करोड़ और परिवारों को घर देना मामूली बात नहीं है। ऐसे ही जिस प्रकार से मोदी जी ने अलग अलग क्षेत्रों, रेलवे हो, एयर सर्विसेज हो, पोर्ट कैपेसिटी हो, ये सब पे जब इतने बड़े रूप में काम होता है तो करोड़ों युवा युवतियों को, करोड़ों भारतवासियों इसमें रोजगार भी मिलता है, इसमें कारोबार करने भी मिलता है, इसमें स्वयं रोजगार और अपने नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन को आगे लाने को भी मौका मिलता है। आपकी जानकारी के लिए पेटेंट जो नए शोध और इनोवेशन से रजिस्टर होते हैं 2014 तक 6,000 पेटेंट सालाना रजिस्टर होते हैं, पिछले वर्ष वो बढ़ के 1,00,000 पेटेंट हो गए। कांग्रेस के समय में सरकारी खरीद होती थी रेट कार्ड के ऊपर बिना कोई पारदर्शिता, सरकार ने जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लाया, पूरी पारदर्शिता से उसमें खरीद होती है और 3 सालों में जो वृद्धि हुई है 50,000 करोड़ से 1,00,000, 1,00,000 करोड़ से 2,00,000, 2,00,000 करोड़ से 4,00,000, मात्र 3 वर्ष इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को रोका गया, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में पारदर्शिता और हर एक को सामान्य अवसर। मैं समझता हूँ ये सरकार गुड गवर्नेंस, सुशासन को लगभग समाज के हर पहलू में, जीवन के हर पहलू में लाने में तेज गति से आगे आने वाले 5 साल में भी काम करेगी और देश को भ्रष्टाचार मुक्त भी बनाना और काले धन पे वार करके जो गलत काम अभी भी किधर पता चलता है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी ने चेतावनी दी है सब कि कोई गलत काम ना करे, ये एक ईमानदार विकसित देश विश्व के सामने काम करेगा और विश्व में एक विश्व गुरु बनकर बताया कल मोदी जी ने भी भाषण में, एक पहला मुद्दा ये है और कांग्रेस कह रही कि आपकी बार 400 पार, यानी इंडिया के लोग कह रहे हैं हर भाषण में ये संविधान बदलने के लिए 400 पार मांग रहे, इसका एक प्रचार किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? दोनों चीज़ जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं। उत्तराखंड ने एक UCC के लिए एक कमेटी बनाई थी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड में अभी कानून बनाया है, उसके ऊपर देश भर में विचार विमर्श चर्चा करके जो भी सावधानी, जो भी विशेष वर्गों की चिंता करनी है उसको करते हुए, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना आए, किसी की जो पारंपरिक तरीके हैं उस पर तकलीफ ना आए, सबको मद्देनजर रखते हुए हम कमिटेड हैं इन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, जिससे जेंडर इक्वालिटी और नारियों का जो अधिकार है उन दोनों के ऊपर हम कड़े कदम उठा सकें। 400 पार से संविधान बदलना, कांग्रेस इस काम में माहिर है, हम सब जानते हैं, उन्होंने संविधान बदल के देश में इमरजेंसी लाई थी। संविधान बदलने का काम नकारात्मक कांग्रेस करती थी, हमने तो 370 और 35A संविधान से निकाला जिसका पूरे देश और विश्व में सकारात्मक प्रभाव भी हुआ है। कश्मीर अब एक अभिन्न अंग बना भारत का, कश्मीर में जो कई कानून लागू नहीं हुए, आरक्षण का कानून लागू नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं होता, ऐसे कश्मीर में अच्छे कानून लागू करके आज कश्मीर में 2 करोड़ पर्यटक है, जिससे आज विकास भी हो रहा है और कश्मीर के लोगों को आमदनी भी हो रही है और कश्मीर तेज गति से मुक्त हो रहा है आतंकवादी गतिविधियों से। सर, हाँ। सर,
सर, कांग्रेस हैज फील्डेड कन्हैया कुमार इन दिल्ली. व्हाट इज योर टेक ऑन इट? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज आल्सो मेंशन दैट ही इज अ पार्ट ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग. हाउ डू यू? एक सगळ्यांना विनंती आहे, आजची प्रेस कॉन्फरन्स फक्त मॅनिफेस्टो विषयात आहे. माझी सर्व विनंती, आपण एक वेगळी उत्तर मुंबईच्या प्रश्नावर एक वेगळी प्रेस उमेदवार आहेत ती नंतर करणार आहोत. जर मॅनिफेस्टो मधून काही प्रश्न असतील तर ते प्लीज तिथे वेलकम आहे. बाकी थोडी समाजाचा अपमान झालेला आहे कांग्रेस ने अपने इतने वर्षों के कार्यकाल में कभी नहीं किया. हम मछुआरों को हर संभव उनको सुविधा देते हैं. साथ ही साथ WTO में हमने जिस प्रकार से भारत के मछुआरों के लिए मोदी सरकार ने अपना तीव्रता से विषय रखा और उनको संरक्षण दिया, ये शायद कांग्रेस के लिए पचाना बड़ा मुश्किल. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.